नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। जिलाधिकारी उन्नाव और पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा महाराष्ट्र से आए हुए श्रमिकों को उनके घरों तक भेजा गया। आज दिनांक 7/5/2020 को जिलाधिकारी उन्नाव और पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा ट्रेन के द्वारा जनपद भुसावल महाराष्ट्र से आए 1251 श्रमिकों को जनपद वार उतार कर 50 बसों के द्वारा 58 जनपदों के श्रमिकों को डॉक्टरों की टीमों द्वारा उनकी स्क्रीनिंग कर फूड पैकेट व पानी की बोतल देकर सभी को गंतव्य हेतु रवाना किया जा रहा है। अपने गांव पहुंचने की खुशी में लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही थी। लोगों ने पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। कल रात को हम लोगों को सूचना मिली थी कि भुसावल से श्रमिक एक्सप्रेस उन्नाव आ रही है और इसमें 1251 यात्री हैं। हमने और पुलिस अधीक्षक ने रात को ही स्टेशन का भ्रमण किया और रात में ही सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई। आज 50 बसें रोडवेज की लगाई गई हैं। इस ट्रेन में 58 जनपदों के श्रमिक आए हुए हैं। जनपदवार बसें निर्धारित हैं। हम इस ट्रेन से जनपदवार ही यात्री उतार रहे हैं और उनकी स्क्रीनिंग के पश्चात उनको सुरक्षित बस में बैठाया जा रहा है। साथ में उनको फूड पैकेट और पानी की बोतल दी जा रही है और शीघ्र ही हम सभी जनपदों के यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल पर रवाना कर देंगे। अभी तक गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया की बसें रवाना हो चुकी हैं। शीघ्र ही अन्य जनपदों की बसें भी रवाना हो जाएंगी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।